आरपीएम का बेडरूम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। हाँ अच्छा, आपको अकाउंट खुलवाना है? अच्छा नहीं, लोन पे चल रहे हो हमारे अकाउंट से, इसलिए बंद करवाना है। अच्छा लाइए, ये हमारा बैंक है, जो SBI बैंक। हाँ यहाँ पर काम बहुत कम होता है, बकवास ज़्यादा होती है। बोलिए ना, बोलिए। लल्लू लल्लू जी, आपका हमें एड्रेस चाहिए होगा। हाँ खजूरी घास गंदे नाले के पास। हाँ और आपका आईडी कार्ड लगेगा, एक आईडी कार्ड, जैसे कि आपका बचपन का नंगे हो, जो आप नंगे हो रखे होगा उसका फोटो लगेगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपका अकाउंट है 5,000 रुपये माइनस में। आपने अकाउंट में मतलब पैसा मेंटेन नहीं किया। हाँ अब दिखा रहा है ये कि आपने गर्लफ्रेंड के ऊपर 17,000 रुपये खर्च किया और बॉयफ्रेंड की, हाँ चलो ये प्राइवेट चीज़ है। अब आप जैसा बता रहे हो कि हमारे बैंक ने अभी बैलेंस नेगेटिव किया है, इसमें हमारी गलती नहीं है। आप बैलेंस को मेंटेन करिए, अदरवाइज ऐसा ही होता है यहाँ पर। अब देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पर्चे के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर है, 17,000 रुपये हर महीने आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीजर हो जाएगा, समझे? ये देखिए, ये बंदा हंस रहा है क्योंकि इसने अपने अकाउंट में 15,000 रुपये मेंटेन किए हुए हैं। देखिए ये पॉलिसी आप जो देख रहे हैं, लड़की को अगर घुमाएंगे तो हमारी जो कंपनी है वो 10% टैक्स लेती है आपसे, और अगर आप बॉयफ्रेंड को घुमाएंगे तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, हमारी बैंक की पॉलिसी बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इसके अंदर, और जो आपका पुराना अकाउंट है आप उसे बंद करवा लीजिए। हाँ बंद कराने में आपको कितने 15,000 रुपये जो आपको जमा कराने हैं वो कराने पड़ेंगे, जो नेगेटिव में। नहीं आप हम पे केस नहीं कर सकते, हमारी जान पहचान पुलिस वालों से भी है। बकवास नहीं करते हम, देखिए। हाँ हरिश्चंद्र जी, ये एक लड़का आया है आपके हमारे ना बैंक में कंप्लेन लिखाने के लिए, जरा समझा दीजिए इसे। नहीं बैंक गालियाँ नहीं देनी है इसको, रुको अभी हम बताते हैं इनको। आप जो है ये बैंक की पॉलिसी देख ही रहे हैं, इस बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आप पैसा मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब हो रहा है। चलिए फिर भी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आपका नाम बताया था आपने, लल्लू प्रसाद। अच्छा आपने बोला कि आपने सिर्फ 30,000 रुपये अपने अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्च करे हैं, ओके 30,000 रुपये माइनस 15% टैक्स और 20% आपने अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर खिलाया, ये आपका टोटल बैलेंस हो चुका है। अब 17,000 रुपये आपको ये पे करना पड़ेगा। हम आपको डिस्काउंट कर सकते हैं, अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो हम आपको ये दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है खाने के लिए। और जैसा कि अगर आप चाहें, अगर आप हमसे नया कार्ड लेते हैं ATM का, तो हम उसके अंदर आपको 10% की छूट देंगे। अगर आप उससे कुछ भी खाने का ऑर्डर करते हैं तो आपको, अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो आपको उसके लिए 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये हमारे बैंक की पॉलिसी है, क्योंकि कुछ परसेंट टैक्स हम भी तो खाएंगे। तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम आपको ये दे सकते हैं, इसमें आप इसे दबाइए इसे दबाइए, स्ट्रेस कम होता है, दिमाग के अंदर शांति आती है और आपका दिमाग जो है कुत्ता घोड़े बंदर की तरह चलता है। अब हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपका बैंक का लोन माफ़ कर जाए। अच्छा एक काम कीजिए, आप ना कुछ पर्सनल डिटेल दे दीजिए मुझे अपनी, हो सकता है उसके बदले हम आपके साथ कुछ कर सकें। गर्लफ्रेंड का नाम गंदे नाले के पास रहने वाली प्रिया, आपके पापा का नाम कचूरी घास में रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में, चलो कोई नहीं यार, फिर तो हम पैसा आपका माफ़ कर सकते हैं और कर भी देते लगा, लेकिन आपने जो ये 15,000 रुपये अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करे ना, ये थोड़ा हमें झेलना नहीं जा रहा है, मतलब
17,000 रुपये खर्च करे थे, 17 में से 10,000 रुपये खर्च करे आपने गर्लफ्रेंड को कपड़े दिलाने में। आपकी पैंट फटी हुई है लेकिन मुझे दिख रही है, लेकिन यहाँ से, लेकिन तब भी आपने गर्लफ्रेंड के ऊपर 15,000 रुपये खर्च करे, 10,000 रुपये खर्च करे जिसकी जींस वगैरह कपड़े और जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है उसके, उस पर 15,000 रुपये इसके। अच्छा, और ये आपने खर्च करे थे गुची 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 वाला स्टोर में आपने खर्च करे हैं इतने पैसे। सॉरी,